हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में ना हम जानेंगे गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वैसे ये काफी इजी होता है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए आपको ऊपर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पे क्लिक करना है। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पे आपको क्लिक करना है और आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर कंफर्म कर लेना आपकी वही आईडी है जो गूगल पे में लिंक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट से अगर आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है तो आपको कर देना, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट से हम वेरीफाई कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा गूगल अकाउंट है वो नया है तो इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं होगी। तो देख सकते हैं ये मैंने 1 रुपए का जो पेमेंट किया था उसकी यहाँ पे हिस्ट्री दिख रही है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री दिखेगी अगर आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए होंगे। मेरा ये नया अकाउंट है इस वजह से। तो अगर आपको किसी एक हिस्ट्री को डिलीट करना है तो आपको उसके सामने कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है, पर मैं अभी नहीं करूंगा, आपको कर देना है। तो गाइस, अगर आप अपनी ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं या कुछ कल की आज की डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट आवर की क्लिक कर डिलीट करना चाहते हैं तो आप लास्ट आवर कर सकते हैं, और लास्ट डे करना चाहते हैं तो लास्ट डे, और कस्टम रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक की जो है आपकी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे डेटा आप हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी भी आपको डिलीट करनी है। और अगर आपको सारी डिलीट करनी है तो आपको ऑलवेज पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, डिलीट पे क्लिक कर देना है। जिसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, गो इट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी सारी डिलीट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डिलीट हो चुकी है, एक ही थी मेरी, वो डिलीट हो चुकी है। तो आप जैसे भी करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, या डेट के हिसाब से करना चाह रहे हैं, या सारी करना चाह रहे हैं, या कल की करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे हर तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप गूगल पे की जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं।